बरेली में एक ही पैटर्न से 11 महिलाओं की हत्या करने वाला साइको किलर गिरफ्तार कर लिया गया। सीरियल किलर कुलदीप गंगवार एक साल से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। ये पहले सुनसान इलाके में महिलाओं से रेप की कोशिश करता था और फिर जब महिलाएं विरोध करती थी तो उनकी हत्या कर देता था, मर्डर कर देता था। हत्या एक ही तरीके से साड़ी या फिर दुपट्टे से गला घोट कर की जाती थी। इतना ही नहीं, निशानी के तौर पर महिलाओं की कोई ना कोई चीज, एक कोई ना कोई जेवर जो है ये अपने साथ ले जाता था। 22 पुलिस की टीमों ने करीब 3 महीनों में 150 जगह दबिश दी। 1.5 लाख मोबाइल सर्विलांस पर लगाए गए। 1500 CCTV कैमरा को खंगाला गया और तब जाकर ये साइको किलर कुलदीप गंगवार गिरफ्तार किया जा सका है। पुलिस ने बताया कि पत्नी की बेवफाई के बाद इसने 11 महिलाओं का कत्ल किया था। 35 साल के कुलदीप की शादी लॉन्गश्री से हुई थी, जिसने उसे छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। इसके बाद से ही वो अपनी पत्नी की बेवफाई की वजह से महिलाओं से नफरत करने लगा। पुलिस ने अब तक 6 कत्ल के मामले सुलझाने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि इसने 6 मामले कबूल कर लिए हैं। गिरफ्तार आरोपी साइको किलर ने 6 महिलाओं की हत्या की बात को अभी तक कबूला है, लेकिन पुलिस का यह कहना है कि क्योंकि बाकी के जो मर्डर्स हुए हैं वो भी इसी पैटर्न में हुए हैं, तो हो ना हो उन महिलाओं की हत्या के पीछे भी इसी शख्स का हाथ है। इस मामले में पुलिस इस शख्स से पूछताछ कर रही है। आशीष गुप्ता की बरेली से रिपोर्ट आ रही है। लगभग 1 से 1.5 साल से पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ सीरियल साइको किलर आज पुलिस की गिरफ्त में आ गया। आपको बता दें कि बरेली की शाही और फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्रों में लगातार महिलाओं की गला घोट कर हत्या करने की बात सामने आ रही थी और इन घटनाओं के बाद पुलिस के लिए इस साइको किलर को पकड़ना एक चुनौती बना हुआ था, लेकिन आज बरेली पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। और जो साइको किलर, जो उसका नाम कुलदीप है, जो 35 वर्षीय है और नवाबगंज का रहने वाला है, उसको पुलिस ने एक कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया। इसमें 1.5 लाख मोबाइल सर्विलांस पर लगाए गए और लगभग 22 पुलिस की टीमें गठित की गई और 1500 CCTV फुटेज देखने के बाद ये सीरियल साइको किलर पुलिस की गिरफ्त में आ पाया। और आज SSP ने बरेली पुलिस लाइन में सीरियल साइको किलर को मीडिया के सामने पेश किया और ये बताया गया कि जो साइको किलर है वो उसकी सौतेली माँ, उसकी माँ को बहुत परेशान करती थी, जिसके बाद बचपन से ही उसके मन में महिलाओं के प्रति कुंठा और घृणा भर गई थी, जिसके बाद जब उसकी बीबी भी उसको छोड़कर चली गई तो उसके बाद इस साइको किलर ने महिलाओं की हत्या करना शुरू कर दी। आज जब पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है तो इसने 6 हत्याओं की बात कबूली है, जबकि जो 3 अन्य हत्याएं हैं उसमें से 2 का खुलासा हो चुका है, जिसकी पुनः विवेचना के लिए SSP ने कहा है, जबकि 1 हत्या ऐसी है जिसमें मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था। यानी 10 हत्याओं के पीछे इस सीरियल साइको किलर का हाथ बताया जा रहा है, जिनमें से 6 को इसने कबूल कर लिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे जो और पुलिस इससे पूछताछ करती है तो क्या खुलासा होता है। बरेली से रजीश शर्मा के साथ आशीष गुप्ता, इंडिया न्यूज। बरेली पुलिस के लिए इस साइको किलर कुलदीप गंगवार तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं था। बरेली के SSP बता रहे हैं कि कितनी मुश्किलों के बाद, कितने मोबाइल फोन को सर्विलांस पर रखने के बाद, कितने CCTV खंगालने के बाद, कितने जतन करने के बाद 22 टीमों ने इस साइको किलर को पकड़ा। देखिए, अलग अलग टीमें, 22 टीमें लगाई थी, उसके साथ साथ इसको एक ऑपरेशन तलाश का नाम दिया था। एक वॉर रूम तैयार किया गया, उसमें पूरा डेटा फीड किया गया, बहुत सारे चार्ट्स तैयार किए गए, इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्टों का डिटेल में अध्ययन किया गया। SP साउथ, SP नॉर्थ साहब के द्वारा फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी बहुत सलाहें ली गई, उनके द्वारा जो इनपुट दिए गए, कुछ क्लिनिकल जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनसे बातचीत की गई, उनके द्वारा काफ़ी इनपुट्स दिए गए और CCTV कैमरा, लगभग 1500 CCTV कैमरा की फुटेज हम लोगों ने देखी। 600 CCTV कैमरा नए इंस्टॉल किए गए इस एरिया में, सादे कपड़ों में और पुलिस की वर्दी में पुलिस कर्मियों को बैरियर ड्यूटीज़ में लगाया गया, डिकॉय के रूप में लगाया गया। बहुत से हिडन कैमरा जो दिखते नहीं है, ऐसे कैमराओं का इस्तेमाल सादे कपड़ों में पुलिस कर्मियों को देकर किया गया, जिससे हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्लिंचिंग एविडेंस भी प्राप्त हुआ है। ये सारे प्रयास इस दौरान किए गए हैं और उसका कल्मिनेशन है।